हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी के क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसमें पहला जो यूनिट आपका होगा जियोमॉर्फोलॉजी का है, यानी कि भू आकृति विज्ञान, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो जो सिलेबस डिसाइड किया गया है यूजीसी नेट के द्वारा, उसी को हमें पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सभी को नहीं पढ़ना है। जो मेंशन किए गए हैं यूजीसी नेट के द्वारा कि आपको यही पढ़ना है और हमारे प्रश्न जो होंगे इसी में से पूछे जाएंगे, तो हमें पूरा उस सिलेबस को बस देखना है। तो ये फर्स्ट यूनिट का पूरा टॉपिक है। और अगर पूरा सिलेबस का, अगर आपको सिलेबस चाहिए पीडीएफ में, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरे सारे यूनिट का। जो 10 यूनिट है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पेपर का, उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उनसे जुड़े जो भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो क्लासेज है ज्योग्राफी की क्लासेज स्टार्ट हो गई है यूजीसी नेट की। बहुत दिनों से जो है दोस्त, जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं, वो कभी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी की क्लासेज कब से स्टार्ट होगी, तो आज से स्टार्ट उसको कर दिया गया है। डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा, टॉपिक वाइज जब हम एक यूनिट को कम्प्लीट करेंगे तो उस यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू होते हैं या प्रैक्टिस सेट होते हैं, और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, जो प्रश्न पूछे गए होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और आने वाले समय में, यानी कि जून में जो आपका एग्जाम होगा, उसमें निश्चित रूप से ही आप नेट के साथ जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली हम बात करेंगे जो पढ़ना है उसका, जो सिलेबस डिसाइड किया गया है यूजीसी नेट के द्वारा। तो पहला जो इसमें टॉपिक हमारा होगा महाद्वीपीय प्रवाह, जिसको हम लोग आज के ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी, और आपका जो अगला टॉपिक है इसमें आंतरिक एवं बाह्य बल, और उसके बाद है अनाच्छादन एवं अपक्षय, भू आकृतिक चक्र, डेविस और पेंग का इसमें हमें डिस्कस करना है जो मॉडल है। फिर उसके बाद जो है ढाल विकास का सिद्धांत एवं प्रक्रम, भू संचलन, भूकंपीयता, वलन, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, ये बलन नहीं होगा, वलन है, भ्रंश तथा ज्वालामुखी, स्थल निर्माण घटना और भू आकृतिक संकट के कारण, भूकंप, ज्वालामुखी, भू स्खलन और हिमस्खलन। तो ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक हैं, उसको इसको हम लोग को डिस्कस करना है या इसको ही पूरी तरह से तैयार करना है। यूजीसी नेट ने यही सिलेबस जो है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए पूरा डिसाइड किया है, इसी में से आपसे प्रश्न वो पूछेंगे। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और आज के वीडियो में ही मैं आपको महाद्वीपीय प्रवाह का जो है टॉपिक क्लियर कराऊंगा, यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग बस सिलेबस को भू आकृति विज्ञान के डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको एक टॉपिक या एक लेक्चर मिल जाएगा महाद्वीपीय प्रवाह का, बहुत ही डिटेल में और ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर, तो आज के इस जियोमॉर्फोलॉजी के हम लोग टॉपिक में जो है महाद्वीपीय प्रवाह को डिस्कस करेंगे और महाद्वीपीय विस्थापन भी इसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस सारा कुछ बता दिया है कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको पीडीएफ जो है सिलेबस का जो 10 यूनिट है ज्योग्राफी का, उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप जो है यूजीसी नेट ज्योग्राफी के नाम से, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सिलेबस नहीं अवेलेबल है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग, महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है। तो इसमें दिया गया है कि वेगनर की अवधारणा के अनुसार मूल रूप में सबसे पहले एक विशाल स्थल खंड था जिसे उसने पेंजिया नाम दिया। तो वेगनर महोदय बताते हैं, या उनकी अवधारणा जो थ्योरी थी उसके अनुसार ये कहते हैं कि मूल रूप से सबसे पहले एक विशाल खंड था पृथ्वी पर, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने, पेंजिया का नाम दिया। आगे उन्होंने यह बताया कि पेंजिया जो है पैंथालासा नाम के महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ था, और एक समय अंतराल या समय अवधि के बाद टेथिस नामक सागर द्वारा पेंजिया दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला जो भाग उसमें है लॉरेंसिया, जो कि उत्तर में खिसकता है, तथा जो दूसरा भाग है इसमें गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिण में खिसकता है या अलग होता है। स्थलखंड जो है आपका सियाल परत से बनी हुई थी, जो कि हल्की होती है,
तथा समुद्री भाग जो है सीमेटिक परत से जो है बनी थी, जो कि भारी परत होती है। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट था जो वैगनर महोदय ने दिया, लेकिन अब हम इसमें आगे यह भी देखेंगे कि यह विस्थापन किसके कारण हुआ और ऐसे कौन से बल है जिसको वैगनर महोदय ने उत्तरदायी या जिसको माना कि इसके द्वारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। तो आगे उसको भी देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट होगा, विस्थापन के कारण क्या है, विस्थापन आखिर हुआ कैसे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको कि क्या कॉन्सेप्ट था। एक जैसे मान लीजिए अर्थ था, तो इस पे आपको ये पेंजिया नामक आपका एक जो है ये पूरा स्थलखंड था, और ये जो है कुछ समय अंतराल के बाद जो है अभी इसके कारण को हम लोग बताएंगे कि इस कारण से ये अलग हुआ। तो ये अलग होता है और इसके बीच में जो है टेथिस नामक जो सागर है वो बहने लगता है, ठीक है। तो एक जो भाग है लॉरेंसिया और दूसरा क्या है गोंडवाना लैंड हो जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और आगे का जो कॉन्सेप्ट है कि आखिर ये क्यों अलग हुए, वेगनर महोदय ने कैसे बताया, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन के कारण। तो वेगनर महोदय कहते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और समुद्रों की उत्प्लावकता तथा ज्वारीय धाराओं को वेगनर द्वारा विस्थापन का मुख्य कारण माना गया है। तो मेन कारण क्या उन्होंने माना है, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा जो आप समझ सकते हैं चंद्रमा का आकर्षण बल, जिसके द्वारा से जो आपका समुद्र में टाइड्स या ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। तो उन ज्वारभाटा को जो है ज्वारीय बल को जो है वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी माना है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि वेगनर महोदय के अनुसार जो है महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ, किन बलों को उन्होंने उत्तरदायी दिया। तो आपको याद रहना चाहिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और समुद्र की जो उत्प्लावकता बल होती है, जिसको ज्वारीय बल का नाम उन्होंने दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, वेगनर महोदय ने 1912 में इन्होंने दिया था अपना ये सिद्धांत। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, वेगनर महोदय ने दिया, और किस सन में दिया, तो 1912 में दिया। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं मैं उसको बताता चल रहा हूँ कि बहुत ही ईजी आपको हो पूरा टॉपिक को समझने में। आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा आगे दिया गया है कि वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक युग में विस्थापन की प्रक्रिया आरंभ हुई तथा महाद्वीप टूटना शुरू हुए। यह विस्थापन दो दिशाओं में हुआ, पहला है भूमध्य रेखा की ओर, गुरुत्वाकर्षण तथा उत्प्लावक बल की शक्तियों के परस्पर संपर्क के कारण जो है यह हुआ, तथा दूसरा जो है पश्चिम की ओर, भूगति के परिणाम स्वरूप पैदा ज्वारीय धाराओं के कारण जो है दूसरा भाग अलग हुआ। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार विस्थापन की जो प्रक्रिया है वर्तमान में भी चलित है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो है वेगनर महोदय जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और जो है जो ज्वारीय बल है समुद्र का, उसको उत्तरदायी माना है महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। और ये जो विस्थापन किस समय काल से हुए इसको बताया गया है ऊपर, आपने देखा। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक युग में जो है विस्थापन की प्रक्रिया जो है आरंभ हो गई थी, महाद्वीपों का टूटना फूटना चालू हो गया था इस समय अवधि में, ठीक है। और बाकी जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि किस बल को उत्तरदायी माना, पूरा वही मेंशन इसमें किया गया है। तो अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि वेगनर महोदय ने जो है क्या क्या प्रमाण जो है प्रस्तुत किए थे इस सिद्धांत को जो है प्रूफ करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं आगे इसमें। तो इसमें हम लोग प्रमाण को देख लेते हैं महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के पक्ष में। प्रमाण हमारा ये पॉइंट है। तो पहला जो इसमें था जोड़ मिलाने का प्रमाण, जिसको जिग्सा फिट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई एक साबुत चीज़ है आपका स्क्वायर में, अब इसको किसी अलग अलग भागों में कई भागों में विभक्त कर दिया जाए जैसे ये, और फिर इसको मिलाया जाए तो ये आपस में पुनः उसी भांति मिल जाएगा जैसे पूरा साबुत था, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर भी वेगनर ये कहते हैं कि अगर इसको पूरा जिग्स अगर फिर से जितने भी महाद्वीप हैं उनको आपस में मिलाया जाए तो ये पुनः एक स्थलखंड के रूप में आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये एक प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसको मैंने मेंशन कर दिया पहले से, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। वेगनर ने बताया कि विस्थापित महाद्वीपों को यदि पुनः जोड़ा जाए तो एक दूसरे में ये ठीक ठीक बैठ जाएंगे। उनके अनुसार यदि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को संयोजित किया जाए तो ये आसानी से मिल जाएंगे। ब्राज़ील का उभरा हुआ एक मेआओ भाग गिनी की खाड़ी में ठीक से संयोजित हो सकता है। इसी प्रकार अफ्रीका का केप तथा अर्जेंटीना के सियारा डी
टेंडिल पर्वत भी जुड़ सकते हैं। ग्रीनलैंड, फिनलैंड तथा एलिस मेर द्वीप भी परस्पर आसानी से जुड़ जाते हैं और भारत मेडागास्कर तथा अफ्रीका को जोड़ने पर पूर्ण प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है कॉन्टिनेंटल को आपस में जोड़ा जा सकता है और फिर से एक स्थलखंड के रूप में स्थापित दिखाई हमें पड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो ये एक प्रमाण था इनका, वेगनर महोदय का। इस आधार पर वो मानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं ये बता रहा हूँ पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जहाँ भी अगर डाउट होगा, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को निसंदेह पूछा करें, ठीक है। और कहीं भी मुझसे भी गलती होती है तो तुरंत आप अवेयर कराएं हमारी गलतियों से कमेंट बॉक्स में पूछ के क्वेश्चन को अपने, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे इसमें हम लोग का अगला पॉइंट है इसमें कि महाद्वीपों को बहाने वाले बल। तो वैगनर द्वारा बताए गए बहाने वाले बलों में होम्स का भी विश्वास था। होम्स के बारे में जानते हैं, इनकी भी एक थ्योरी है सम्मोहन तरंग की, तो ये भी पूछा जाता है एग्जामों में, तो इसको आप याद रखेंगे। होम्स महोदय भी जो है वैगनर के जो भी बल थे जिनको उत्तरदायी उन्होंने माना महाद्वीपीय विस्थापन में, उसमें जो है होम्स महोदय का भी विश्वास था। आगे जो है इसमें कि वनस्पति शास्त्र के प्रमाण, तो वैगनर ने बताया कि ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, फॉकलैंड द्वीप तथा अर्जेंटीनिका में जो है कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक वनस्पति है ये हर जगह पाई जाती है। तो इस आधार पर भी जो है वैगनर महोदय ने वनस्पतियों के आधार पर भी यह बताने का या यह प्रूफ करने का प्रयास किया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है या महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ठीक है। उनके किनारे वाले एरिया पर उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो दूसरे किनारे पर, तो इनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ करते हैं कि ये कॉन्टिनेंट जो है कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे। यहां से आपको समझ में आ गया ये सारा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इसमें अगला जो हमारा पॉइंट होगा प्रमाण के पक्ष में, जलवायु के प्रभाव। तो इसमें दिया गया है कि प्राचीन भूवैज्ञानिक काल में हुए जलवायु परिवर्तनों से भी महाद्वीपों को विस्थापन की बात सिद्ध होती है। तो प्राचीन भू वैज्ञानिक काल जो हमारे थे उसमें जो जलवायु परिवर्तन से भी जो महाद्वीपों में विस्थापन हुए हैं उस बात से भी ये प्रूफ होता है कि जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। आगे अगर इसमें बात करें तो कार्बोनिफेरस युग में सांता कैथेरिया जो कि ब्राजील में पड़ता है, फॉकलैंड दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रायद्वीपी या भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि में हिम निक्षेपों का पाया जाना भी इसकी सत्यता सिद्ध करता है। आगे अगर इसमें बात करें तो स्मिथ ने इन हिम निक्षेपों के आधार पर बताया कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ऊपरी ट्रायसिक कल्प के दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका परस्पर एक साथ जुड़े थे। तो इस युग में जो है आपके अफ्रीका सॉरी अमेरिका तथा अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे ट्रायसिक कल्प में, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रमाण मतलब प्रमाणित करने का या प्रूफ करने का प्रयास किया जलवायु के आधार पर वैगनर महोदय ने। आगे इसमें देखते हैं और भी एक प्रमाण है जिसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था अपने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो इसमें अगला हमारा पॉइंट होगा सीमा एवं सियाल की प्रकृति। वैगनर ने बताया कि सियाल जिससे महाद्वीप बने हैं अपेक्षाकृत भारी और द्रव सदृश गुणों से युक्त सीमा में तैर रहा है। तो यह भी एक प्रमाण दिया कि जो लिक्विड फॉर्म में जो है सीमा जो हमारा है जो ऊपरी भाग है क्रस्ट वो जो है लिक्विड फॉर्म पे जो है नीचे जो है उस पे तैर रहा है ये कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये एक प्रमाण देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और प्रूफ करने का भी पूरा प्रयास किया। तभी भी इतनी प्रूफ करने के बावजूद भी वैगनर के इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना की जाती है, लेकिन एक आधार उन्होंने सेट करके चला गया। आगे भी जितने भी रिसर्च में आगे अगर स्टडी आती है कुछ इसके ऊपर तो वो भी आपको पता चलता रहेगा, लेकिन अभी वैगनर का ये सिद्धांत अभी मान्य है। तो इसको आपको याद करना, एग्जाम में पूछा जाता है। दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो वैगनर महोदय ने दिया था। कब दिया था, किस सन में, 1912 में दिया था। और किन बलों को इन्होंने उत्तरदायी ठहराया था महाद्वीपीय विस्थापन में, तो ज्वारीय बल को और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को। तो ये तीन क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन जाते हैं और एक जिक्सा फिट वाला जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है आपसे। तो चार पांच क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको इस सिद्धांत से पूछ लिए जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन महाद्वीपीय विस्थापन से।
तो कुछ आलोचनाओं को हम देखेंगे, कुछ इनके जो थ्योरी के पक्ष में, कुछ जो भी भूवैज्ञानिक थे वो भी इनके थ्योरी के पक्ष में थे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि भूविज्ञान के प्रोफेसर एलसी किंग स्थल क्षेत्रों के परस्पर संयोजन से प्रभावित हुए तथा सिद्धांत को महत्व दिया, यानी सिद्धांत को जो है रेलिवेंट माना। इसी प्रकार महाद्वीपों को विस्थापित करने वाले बलों के बारे में आर्थर होम्स, अभी मैंने बताया था कि सम्मोहन तरंग का जो सिद्धांत था आर्थर होम्स ने दिया था, तथा स्वीडर महोदय ने अपना समर्थन प्रस्तुत कर सिद्धांत को समर्थन दिया। इसके बावजूद भी, इतने लोगों के समर्थन के बावजूद भी इनके सिद्धांत की जो है आलोचना की जाती है। तो उन आलोचनाओं को देख लेते हैं कि किस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो इसमें हम लोग आगे अब देखेंगे कि वेगनर की जो थ्योरी है या महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, किस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है। जैसा कि वेगनर महोदय बताते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, समुद्र की उत्प्लावकता तथा ज्वारीय धाराओं को जो है वेगनर विस्थापन का मुख्य कारण मानते हैं। लेकिन किस आधार पे जो है इनकी इस थ्योरी की या इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, तो इसमें बताया जाता है कि इस सभी कारकों द्वारा इतने व्यापक विस्थापन को संचलित या महाद्वीपों को खिसकाने या दूर करने के लिए इन कारकों का वर्तमान से कई लाख गुना शक्तिशाली होना जरूरी है। यानी वर्तमान में जो इनकी शक्तियां हैं, जो टाइडल फोर्स हैं यानी ज्वारीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनका कई लाख गुना होना जो है शक्तिशाली जो है कई लाख गुना होना जरूरी है। तो इस आधार पे जो है आलोचना की जाती है इस थ्योरी की, कि जो जिन्होंने मतलब वेगनर महोदय ने जो है जिन बलों को उत्तरदायी माना है वो सफिशियंट नहीं है महाद्वीपों को खिसकाने में या विस्थापित करने में। तो ये तो पहली आलोचना की जाती है। आगे इसमें देखते हैं, और एक प्रमाण में जो है वेगनर महोदय के द्वारा यह भी बताया गया कि सीमा एवं सियाल की आंतरिक भूमिका जो है भारी सीमा द्वारा हल्के सियाल को ढोने के कारण उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर समानांतर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ था और ये स्थल आकृतियां वलित तथा विरूपित हैं। आलोचना क्या किया जाता है इसमें कि यदि सीमा इतना अधिक कठोर था तो उसका विस्थापन होना जो है संभव नहीं था, यह मानते हैं विद्वान, और यदि वह हल्का और गतिशील था तो उसके द्वारा पर्वतों का निर्माण भी नहीं हो सकता था। तो यहाँ भी जो ये प्रूफ करते हैं वेगनर महोदय, इसकी भी आलोचना की जाती है। आगे देखते हैं इसमें अगले पॉइंट को, तो जो आगे इसमें जो है वेगनर महोदय वनस्पतियों के आधार पर जो अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं, तो उसमें भी इनकी आलोचना की जाती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड तथा अंटार्कटिका की कार्बोनिफेरस युगीन चट्टानों में ग्लोसोप्टरिस वनस्पति पाया जाना भी यह संकेत देता है कि यह सभी भाग कभी न कभी आपस में संयुक्त थे। लेकिन आलोचना किस प्रकार से की जाती है कि इस प्रकार की वनस्पतियां जो है आपका अफगानिस्तान, ईरान तथा साइबेरिया जैसे उत्तरी भागों में भी पाई जाती हैं। तो दूसरे छोर पे तो इनका जो कॉन्सेप्ट जो था, जो जुड़ने वाला जिग्सॉ भेंट वाला, कि आपस में जो सभी भाग जुड़ जाएंगे महाद्वीप, तो यहाँ पे भी निराधार साबित होता है। तो ये कुछ जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही मिसइरर था, आलोचना की जाती है इस आधार पे वेगनर के सिद्धांत के, तभी भी अभी ये सिद्धांत मान्य है और हमें पढ़ना होगा। तो मैंने आपको वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बताया, प्रवाह का जो सिद्धांत है यही है। तो इसको मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कहीं भी मिसइरर या त्रुटि हो, मुझसे गलती हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैं उसको जो है सही करने का या फिर से मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप इसको लाइक किया करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें कंटिन्यूअस आपके लिए वर्क करना चाहिए। और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो है कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स की फीस, वो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं या बुक्स के माध्यम से जो है प्रिपरेशन करते हैं अपनी। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं वहाँ पे आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें आप, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप निश्चित रूप से प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के भी लेक्चर मिलते हैं और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो उससे भी आपको लेक्चर मिलते हैं। और अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनसे जुड़े भी कंटेंट इस पर बहुत ही जो है इफेक्टिव कंटेंट जो मिलते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है इस चैनल से। तो आप ज्वाइन करें, दूसरे दोस्तों को इस चैनल पर इन्वाइट कर सकते हैं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।